आज भी ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जहां अब तक स्कूलों की चार दीवारी नहीं है, जिससे पढ़ने वाले छात्रों को असुविधा होती है। दीवार न होने की वजह से आवारा और बेसहारा जानवर स्कूलों में आए दिन घुस आते हैं। बुलंदशहर जिले में 639 प्राथमिक स्कूलों की चार दीवारी नहीं है। इससे ये दिक्कतें आती हैं कि कोई भी स्कूल के अंदर स्कूल प्रांगण में प्रवेश कर जाता है, जैसे पशु हैं, पशु स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन ब्रेक कर देते हैं, जिससे काफ़ी असुविधा होती है। और ये हालत इसी स्कूल की नहीं है, आसपास के कुछ और स्कूल हैं उनमें भी सेम यही हालत है कि पशु स्कूल प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं। बुलावठी तहसील के हिमांशु का कहना है कि उन्होंने इस बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं कि चारदीवारी न होने से अध्यापन कार्य में काफी दिक्कतें होती हैं। वहीं खुद बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अमरीश कुमार का भी कहना है कि स्कूलों की चारदीवारी नहीं है। उनका कहना है कि ऐसे स्कूलों की चारदीवारी के लिए कई मदों से प्रयास किए जा रहे हैं। विगत 3-4 वर्षों से बाउंड्री वाल निर्माण के लिए शासन से विभाग से धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। बार बार डिमांड की जा रही है। DPRO के माध्यम से भी कुछ विद्यालयों में 14वें वित्त से बाउंड्री बनाई गई हैं। पंचायती राज बुलाए गए थे तो उनको निर्देश दिया है कि जहां धन बचा है वहां अधिक से अधिक विद्यालयों में बाउंड्री बनाई जाए, तो एक काम चल रहा है। और जो विभाग से धनराशि प्राप्त होगी शेष को से कराएंगे। छात्र स्कूल तो बेहतर शिक्षा पाने की उम्मीद में आते हैं, पर कई बार दीवार न होने की वजह से बेसहारा घूमने वाले पशु मुसीबत का सबब बन जाया करते हैं। काम कराया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां नन्हे नौनिहाल पढ़ने आते हैं वहां कहीं ना कहीं अक्सर आए दिन जो आवारा पशु हैं वो भी घुस जाया करते हैं। श्रीपाल तेवतिया, ETV, बुलंदशहर।